हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा मंत्री प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। यूपी की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ 2847 पदों पर नई भर्ती को लेकर, बीपीएससी टीआरई और बिहार डीएलएड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तर माला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है बीपीएससी तैयारी को लेकर। बीपीएससी तैयारी में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था वो अपने एडमिट कार्ड जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कल 7 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। बाकी अगर अभी तक आपने नहीं किया था तो अब वेबसाइट अच्छे से काम कर रही है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार डीएलएड को लेकर भी जो एडमिट कार्ड का प्रोसेस है वो जारी करने का शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्द आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर भी अपडेट देखने के लिए मिलेगी। साथ ही बात की जाए जेई के 2847 पदों पर होगी भर्ती। 7 मई से इसके जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। आवेदन फॉर्म UPSSC ने जारी किया है विज्ञापन। अधिक जानकारी के लिए UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको लेकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, बेसिक शिक्षा मंत्री के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को फिर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास का घेराव किया और प्रदर्शन कर प्रदर्शनकारियों ने 6,800 की सूची को नियुक्ति देने के संबंध में हाईकोर्ट में इस मामले को निस्तारण करने को लेकर मांग की, जिसके संबंध में सुबह 11 बजे से अभ्यर्थी काफ़ी बड़ी संख्या में 6,800 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दो को लेकर तख्तियाँ बैनर लेकर पहुँच गए बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसकी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और अब ये परीक्षा स्थगित करके जुलाई में आयोजित की जाएगी। इसकी ऑफिशियल घोषणा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दी गई है। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।